चौहान जी ने अपने एक मंत्री को, डॉक्टर विजय सिंगला जो उनके साथ हेल्थ मिनिस्टर थे, उनके कुछ साक्ष्य करप्शन के प्रति उनके पास आए, जिसमें वो किसी एजेंसी से परसेंटेज ऑफ कमीशन काम के प्रति मांग रहे थे। वो जैसा ही मुख्यमंत्री जी को पंजाब पे पता चला, उन्होंने तुरंत उन्हें बुलाया ही नहीं, उन्हें साक्ष्य दिखाया और तुरंत उन्हें उनके पद से हटा दिया, पद भार मुक्त कर दिया गया। और इतना ही नहीं किया, तुरंत अपनी जो एंटी करप्शन टीम थी उसे बुलाया और बुलाने के बाद उनके ऊपर कार्रवाई की, FIR लॉन्च की और उन्हें 21 लाखों के पीछे रिमांड पर भेज दिया गया। ये बहुत बड़ा निर्णय एक हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर हुआ है। मैंने जैसा पहले भी कहा, ना भूतो ना भविष्यति, ना ऐसा कभी किसी ने सोचा होगा ना कभी सोच पाएगा। और ये देश के अंदर दूसरी दफे हुआ है। 2015 के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने अपने एक मंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में हटा दिया था और दूसरी दफे, और मैं आपको बताऊं, अभी 2-2.5 महीने सरकार बने हुए हैं, ताजी सरकार है। कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान में आज तक देखने को आपको मिला होगा अन्य प्रदेशों के अंदर भी, जब तक विपक्ष हल्ला न करे, साक्ष्य न दे, चिल्लाते रह जाते हैं, लेकिन जो पक्ष में बैठी सरकार है वो अपने व्यक्ति को, उनके केस को दबाने में लगी रहती है और पूरे 5 साल निकल जाते हैं, उसके बाद जो होता है वो होता है। पहली दफे आपकी नई सरकार, उसमें ऐसा निर्णय लेना मैं नहीं समझता, और ये हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर मील का पत्थर साबित होने वाला है। और आम आदमी पार्टी का ये ध्येय है, ये उनका मूल्य है, जिसमें वो कहते हैं कि करप्शन को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा, बात चाहे कहीं की भी हो। और आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में भी इन्हीं मूल्यों के साथ आगे बढ़ने वाली है और हर एक नागरिक हिमाचल प्रदेश को ये विश्वास दिलाना चाहती है कि कोई भी व्यक्ति जो भ्रष्टाचार में संलिप्त हो, चाहे वो व्यक्ति पार्टी का हो चाहे पार्टी के बाहर का हो, अधिकारी हो, उसे नहीं बख्शा जाएगा। उसकी सिर्फ एक ही जगह है, वो सलाखों के पीछे है। और आम आदमी पार्टी जो 2022 का चुनाव लड़ने वाली है, वो इसी के लिए लड़ने वाली है कि करप्शन को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। ये अपने नेताओं को बचाने में लगी हुई है और दूसरी ओर ऐसी पंजाब की सरकार है जो अपने व्यक्ति, जो मंत्री उनके अंग संग रहने वाले व्यक्ति है, उनके खिलाफ सिर्फ साक्ष्य मिलते हैं, साक्ष्य मिलके तुरंत विद इन अ डे उनको रिमूव किया जाता है, सलाखों के अंदर भिजवा दिया जाता है। तो ये करेक्टर को एक कहीं ना कहीं आपको आइडेंटिफाई करता है। आप देखिए आम आदमी पार्टी का क्या करेक्टर है, उनके क्या मूल्य है, और इसी जो करप्शन के खिलाफ है वो हिमाचल प्रदेश में हम लड़ेंगे और बहुत बड़ी कार्रवाई, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। यही मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा।